मोदी जी ने कहा कि मैं सड़क से निकला तो नाली में गैस बननी, वहीं पाइप लगाया और वहीं चूल्हा जला दिया और वहीं चाय बना दी। तो एक बात बताइए, जब आप नाली से गैस बना रहे हैं और देश के वैज्ञानिकों को फेल कर रहे हैं, तो सिलेंडर के दाम इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? जमुना में तो पूरी में कीचड़ जमी पड़ी है, उसी में पाइप फिट कर दो सारे। कौन जिम्मेदार है इन सभी चीजों का? मोदी जी। और कौन होगा प्रधानमंत्री? मोदी जी हैं तो मोदी होंगे प्रधानमंत्री। अब यूं तो है नहीं कि आप इसके लिए भी कह दें कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है या जिनपिंग जिम्मेदार है। और अगर ज्यादा आप करें तो भाजपा वालों को तसल्ली देने के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि नेहरू जिम्मेदार है। वो तो हर बात के लिए एक ही कहते हैं, नेहरू जिम्मेदार है। अरे भैया नेहरू चला गया ऊपर, आप ये बताओ आपने 7 साल में क्या किया है, इसका ही जवाब दो। कितने मेडिकल बनाए, कितने एम्स बनाए, कितनी आईआईटी बनाई, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए? आपने सिर्फ लोगों का नाम बदला है। अगर नाम बदलने से देश के अंदर, और नाम बदलने से याद आया स्टेडियम का भी नाम बदल दिया। स्टेडियम के नाम बदलने से एक काम बहुत अच्छा हुआ है मोदी जी के राज में, इस काम की मैं तारीफ करूंगा। स्टेडियम के नाम बदलने से अब देश के जो गेंदबाज हैं उन्हें फेंकने में और भी आसानी होगी, क्योंकि मोदी जी के नाम पे स्टेडियम का नाम हो गया। क्योंकि बिल्कुल गर्व की बात है कि लंबी लंबी फेंकते हैं। आपको रोका है किसी ने? आप भी फेंके लंबी लंबी। इनों का वो वाला हिसाब है कि भैया शेख सिल्ली कहता है ना कि भैया मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश आ जाएगी, और वो कहता है कि लगता तू मेरी खोर में ही है। इनका वही वाला हिसाब है, समझ रहे हैं? तो अगर लंबी लंबी फेंकने से देश चल जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, इन तीनों जो कानून है इसको डेथ वारंट बता दिया है, कहाँ थे वो 90 दिन से? कहाँ थे, क्यों नहीं बोले? ये देखिए, वो पॉलिटिकल लीडर्स बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता आपको। मैं इनको कोई पीए तो लगा नहीं हूँ, सेक्रेटरी तो लगा नहीं हूँ। आपका नहीं लग रहा फिर किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है? अब एक बात मुझे बताइए, किसानों की आपने बात करी, देश का किसान यहाँ राजनीति नहीं कर रहा। आप एक बात बताइए, देखिए मुझे तो निश्चित तौर पर तरस आती है कि जब मैं इन बुजुर्गों को देखता हूँ, आप इनको देखिए, इनकी उम्र लगती है आपको आंदोलन करने लायक? एक मिनट बाबू जी आइए, आप लगती है आपको इनकी उम्र की आंदोलन करेंगे? इनकी उम्र घर के अंदर बैठने लायक है। और हमारे लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए कसम से डूब मर जाने वाली बात है कि ये लोग यहाँ आके बैठ रहे हैं और हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे लिए डूब मर जाने वाली बात है। आखिरी सवाल, किसान पीछे तो नहीं हटेगा? कई दफा क्योंकि कोशिश की गई, कभी देखिए सुनिए, अगर पीछे हटने की बात होती ना, गर्मी का भी अब बहाना कहीं ना कहीं आ गया है कि गर्मी है। एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट ये बताइए मुझे, मोदी जी के राज में बदलाव आया नहीं आया? आया ना, आया बदलाव है? कौन सा बदलाव आया? अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन नहीं। मोदी, एक मिनट, मोदी जी के राज का बदलाव आपको बता दूं। अच्छे दिन नहीं। अरे सुनिए, मोदी जी का बदलाव सुनिए आप, कैसे किसान बैठा कब था यहाँ पर आकर? नवंबर में बैठा, तो नवंबर से अब क्या आ गया? फरवरी आ गई ना, बदलाव आया कि नहीं आया मित्रों? बदलाव आया कि नहीं आया? आया ना, तो ये मोदी जी का।